दोस्तों आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम आप में से 90% लोगों ने इससे पहले सुना नहीं होगा। ये देश डायमंड का खजाना है लेकिन फिर भी गरीबी है। इस देश में 16 के लगभग जनजातीय समूहों का मेला है। सिविल वॉर ने देश की कमर तोड़ के रख दी है। यहाँ के लोगों के बीच रेडियो काफी पॉपुलर है लेकिन इंटरनेट उतना ही वीक। यहाँ है कछुओं का आइलैंड और चिंपैंजीज का घर। दोस्तों देश के नाम का मतलब है लायन माउंटेन्स, लेकिन हर साल क्रोकोडाइल यहाँ के ज्यादातर लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। इस देश और इसकी कैपिटल को बसाने का गुलामों को जाता है और यहाँ पर एक ऐसा पर्वत है जिसे नए साल को छूने से सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। लेकिन ये कौन सा देश है और है कहाँ? हम बात कर रहे हैं सियरा लियोने की। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको सियरा लियोने के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सियरा लियोने देश का नाम आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि साइज पॉपुलेशन के साथ साथ ये देश इकोनॉमी के मामले में भी काफी छोटा देश है। सियरा लियोने का नाम सुनते ही बेशक आपके दिमाग में सनी लियोने का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें सनी लियोने इस देश से नहीं है बल्कि वो तो कनाडा से है। बाकी इस देश की बात करें तो यहाँ प्राचीन समुद्र तटों से लेकर वन्य जीवन, जंगल की हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता, हर एक चीज है जिसे देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन एक चीज जो आपको पसंद नहीं आएगी वो है गरीबी। देश का कुल क्षेत्रफल 71,740 वर्ग किलोमीटर का है और मौजूदा समय में देश में लगभग 89,77,000 लोग रहते हैं। इस लिहाज से ये देश दुनिया का 102वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जबकि 122 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको मिल जाएंगे। सियरा लियोने बेशक एक गरीब देश है जहां आपको पैसे की किल्लत हर घर में देखने को मिल जाएगी। यहां की गरीबी का एक मेजर कारण है गृह युद्ध। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस देश ने 1991 से लेकर 2002 तक सिविल वॉर का सामना किया है, जिसकी चीटें कहीं ना कहीं आज भी देश की जनता को परेशान और झकझोर कर रख देती है। सिविल वॉर के चलते न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था चूर चूर हो चुकी है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमर टूट चुकी है। बात की जाए देश की जीडीपी की तो ये लगभग 15 बिलियन डॉलर्स है और इस देश की करेंसी है सियरा लियोनियन लियोन, जिसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ देश के लोगों का गुजारा हो रहा है। सियरा लियोने का भौगोलिक एरिया कुल 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिनमें उत्तरी सूबा, पूर्वी सूबा, दक्षिणी सूबा और पश्चिमी रीजन शुमार है। इस तरह देश भर में कुल 16 जिले हैं। वैसे दोस्तों इतनी कहानी हो गई, लेकिन अब तक हमें ये पता नहीं चला कि ये देश आता किस कॉन्टिनेंट में है। तो आपको बता दें सियरा लियोने पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, जिसकी बाउंड्रीज उत्तर पूर्व में गिनी, दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया और पश्चिम में अटलांटिक ओशन से मिलती है। वैसे क्या आप जानते हैं सियरा लियोने का नाम कैसे रखा गया? दरअसल ये एक पुर्तगाली नाम सियरा लियोने से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शेर पर्वत, यानी लायन माउंटेन्स। सियरा लियोने के बसने की बात करें तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में देश स्लेव्स यानी कि गुलामों या दासों का घर हुआ करता था, खासकर अफ्रीकी गुलामों का। लेकिन 27 अप्रैल 1961 में देश को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली और यहाँ रहने वाले दासों को भी आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला। अब उनके सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वो सियरा लियोने को अपना घर बना ले या फिर वापस अपने देश लौट जाए। ज्यादातर लोगों ने अपने देश वापस लौटने का फैसला किया और सिर्फ 500 या इससे भी कुछ कम लोगों ने सियरा लियोने को अपना घर बना लिया। हालांकि किस्मत की मार ही समझिए कि इनमें से ज्यादातर लोग बीमारी, जनजातीय युद्धों के चलते मारे गए। लेकिन फिर नोवा स्कॉटिया के 1200 लोगों ने सियरा लियोने में नए नए घर बनाए और जैसे जैसे दुनिया भर के दूसरे गुलाम आजाद हुए, सियरा लियोने भी बसता चला गया। दोस्तों वर्तमान समय में देश की राजधानी का दर्जा प्राप्त है फ्री टाउन शहर को, जो इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा है और आजादी से पहले से लेकर बाद तक, पास से लेकर प्रेजेंट तक देश का इकोनॉमिक सेंटर भी बना हुआ है और यही सबसे पहले दासों ने अपने घर यानी निवास बनाया था। यही कारण है कि आज सियरा लियोने में फ्री टाउन को सबसे अनोखा शहर माना जाता है। वेल बता दें कि कैपिटल सिटी फ्री टाउन में अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बोले तो पोर्ट है और ये सभी प्रकार के समुद्री जहाजों को रिसीव करने के लिए कैपेबल है। सियरा लियोने में अमेरिका के दासों के अलावा यूरोप, वेस्ट अफ्रीका और लेबनान देश से ज्यादा लोग बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ का कल्चर आपको कुछ मिक्स ही नजर आएगा। मिक्स कल्चर के साथ सियरा लियोने की पहचान है डायमंड। जी हाँ, इस देश के पास समृद्ध खनिज संसाधन के रूप में डायमंड है। इस देश में हीरे की कई खदाने हैं और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2009 के तहत ये देश दुनिया भर के देशों में हीरे का एक्सपोर्ट भी करता है। 2022 में सियरा लियोने का डायमंड प्रोडक्शन लगभग 70,000 कैरेट था। दुनिया के 21 सबसे बड़े हीरे भी सियरा लियोने में पाए गए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद 250 मिलियन डॉलर्स के साथ सियरा लियोने दुनिया में डायमंड के बाद शाह देशों में से एक है। यहाँ पर रेड डायमंड भी पाया जाता है, जिसे ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। सिविल वॉर के दौरान हीरे के खनन और सेल्स के चलते आज भी इस देश में लाल हीरे का रुतबा कायम है। वहीं डायमंड के अलावा यहाँ टाइटेनियम, बॉक्साइट, सोना और दूसरे कई खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। वो बात अलग है कि इन सभी का यूज आज देश ठीक से नहीं
नहीं कर पा रहा है, वरना ये भी एक अमीर देश होता। दोस्तों, हीरे की चमक से बाहर निकल के अगर आप चिंपैंसियों की बस्ती में जाना चाहते हैं ना, तो सियेरा लियोनी में ये भी है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में चकुगामा चिंपैंसी सेंचुरी है, जो लगभग 100 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ दुनिया भर से जब्त किए गए, अनाथ, भागे गए या मिसबिहेव के चलते छोड़े गए 75 से ज्यादा चिंपैंसी एक साथ रहते हैं। इनका पालन पोषण, खाने पीने, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, ताकि इन्हें अच्छा कर सुरक्षित जंगलों में वापस छोड़ा जा सके। इसके अलावा देश में एक टर्टल आइलैंड भी है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना, कछुआ द्वीप। नाम से ही ज्यादातर लोग समझ गए होंगे कि यहाँ कछुओं को कोई कमी नहीं है, जो बिल्कुल सही भी है। इस द्वीप पे आप छोटे, बड़े, शरारती, शांत, हर तरह के कछुओं से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही खूबसूरत फिरोजा पानी में डुबकी भी लगा सकते हैं। मछली पकड़ने का शौक है तो ये शौक भी आपका कछुआ आइलैंड पर पूरा हो जाएगा, वो भी कछुओं की चहल पहल के बीच। ये देश भले ही छोटा है, ज्यादा पहचान नहीं है, लेकिन यहाँ की महिलाएं दुनिया की दूसरी महिलाओं से कम नहीं है। आगे निकलने का मौका मिले तो सियेरा लियोनी की महिलाएं भी दोस्तों किसी से पीछे नहीं रहेंगी। ये है हेप्टाथलॉन और लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिस बार्बर, जो सियेरा लियोनी की जिंदा दिल और काफी जानदार एथलीट है। फ्रेंड्स, रोकल का नाम शायद आप में से किसी ने पहले ही कभी सुना हो। वेल, ये कोई चीज या ह्यूमन बींग या एक सुंदर नारी नहीं है, बल्कि सियेरा लियोनी की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 386 किलोमीटर की है। नदी के आसपास मौजूद जंगल और यहाँ का वातावरण आपका दिन सुहाना बना देगा, लेकिन नदी में मौजूद कुछ खतरनाक जानवर आपके माथे से पसीना टपकने पर मजबूर भी कर देंगे। वही बात करें सबसे ऊंची चोटी या पर्वत श्रृंखला की, तो दोस्तों माउंट बिंटूमेनी सियेरा लियोनी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियों में से भी एक माना जाता है। और इस चोटी पर चढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते भी है। न्यू ईयर पर कबाला हिल्स पर पिकनिक मनाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। दूसरी बात, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप विभिन्न जातीय समूहों का घर है। यहाँ के लगभग हर देश में एक अनोखी जनजाति देखने को मिलती है, तो भला सियेरा लियोनी में कोई जनजाति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, यहाँ भी करीब 18 आदिवासी और जनजातीय समूह रहते हैं, जिनमें फ्यूला, टेमने, लोको, मैंडिनका और सुसु जैसे समूह शामिल है। वही लिम्बा इस देश में रहने वाला सबसे पुराना समूह है, जिनकी भाषाएं और कल्चर भी काफी अनोखा है। विभिन्न जातीय समूह होने के चलते इस देश में कई अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें इंग्लिश तो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ मैंडी, टेमने, लिम्बा और क्रियो जैसी भाषाओं का भी बोलबाला ज्यादा है। क्रियो भाषा काफी हद तक इंग्लिश से मेल खाती है। यहाँ 60-70% लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, जिनमें सुन्नी मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑलमोस्ट ये पूरा परसेंटेज सुन्नी समुदाय का ही है। वहीं 20-30% लोग यहाँ ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी धर्म या पारंपरिक धर्म के पालनहार है। फ्यूला, टेमनी, लोको, मैंडिका और सुसु जैसे ग्रुप्स ज्यादातर सुन्नी है, जो देश में नॉर्दर्न पार्ट में मोस्टली बसेरा बनाकर रह रहे हैं, जबकि दक्षिण या पूर्वी इलाकों में बस मैंडी और क्रियो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। इसी धर्म और जातीय विविधता के चलते ये देश सिविल वॉर की मार से अक्सर परेशान रहता है। इसका सीधा असर इसके फ्यूचर को संभालने वाले बच्चों और युवाओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि देश का लिटरेसी रेट 47.70% का है। इसका मेन रीजन है लचीला एजुकेशन सिस्टम, पैसों की कमी, गरीबी और कुछ विवाद, जिनके डर से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। यूँ तो सियेरा लियोनी का कानून कहता है कि देश के बच्चों को फ्री में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। 3 साल के माध्यमिक विद्यालय और 6 साल के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना कंपलसरी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ एडमिशन कम ही होते हैं। 2012 में सियेरा लियोनी के झीले एजुकेशन सिस्टम को देखते ही रीडिंग इनिशिएटिव, सलोन नेटवर्क एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव की पार्टनरशिप के साथ ही अफ्रीकन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की तरफ से 2013 में यहाँ 260 से ज्यादा लाइब्रेरीज भी स्थापित की गई। इसके बाद भी देश की शिक्षा में सुधार ना के बराबर है। दोस्तों, आज के समय में देश की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, और गृह युद्ध के बाद एक तिहाई से ज्यादा लोग अपने ही देश को छोड़कर जा चुके हैं। देश के इनकम सोर्स की बात करें तो 1000 ईसा के बाद से ही यहाँ खेती बड़े लेवल पर की जाती है। हालांकि खेती से भी उतना रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा। खेती के अलावा मिनरल एक्सपोर्ट करके सियेरा लियोनी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, खासकर डायमंड के एक्सपोर्ट से। देश में आपको रेडियो के दीवाने भाई तगड़े लेवल पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, तो रेडियो के जरिए ये देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड भी रहते हैं और अपना एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। और देश की 72% आबादी ऐसी है जो रोजाना अपने इस छोटे से दोस्त के करीब रहती है, यानी रेडियो सुनती है। रेडियो के अलावा यहाँ इंटरनेट भी है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास, और उसकी हालत भी खूब खस्ता है। इंटरनेट देश के ज्यादातर लोगों की पहुँच से दूर है, इसलिए यहाँ कई इंटरनेट कैफे संचालित होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ ज्यादातर बसों का इस्तेमाल किया जाता है, और उनमें भी मिनी बसें आपको पूरे देश में दौड़ती हुई नजर आ जाएंगी। सियेरा लियोनी
सिडनी में मरने वाले ज्यादातर लोग मगरमच्छ का निवाला बनते हैं, इसलिए अगर आप सियरा लियोनी जाएं तो जरा संभल के, क्योंकि गरीबी के चलते यहाँ क्राइम्स भी काफी होते हैं दोस्तों। वेल माय फ्रेंड्स, ये थी सियरा लियोनी की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और सियरा लियोनी में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी यहाँ पे गए तो हमें अपने एक्सपीरियंस जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।